है गाइस, आज हम जामन प्लांट्स की रिपोर्टिंग करेंगे और प्लास्टिक की यूजलेस बोतलों को काम में लाएंगे। तमाम बोतलों के नीचे ड्रेनेज होल कर लेंगे छुरी गर्म करके, और उसके बाद इसको बीच से हम कट कर देंगे ताकि एक बोतल के दो पॉट्स बन जाएं। पांच से छह ड्रेनेज होल करने हैं हर हर बोतल में। अब हम सबसे पहले सूखे हुए नीम के पत्ते डालेंगे। आप चाहें तो ठीकरी भी डाल सकते हैं छोटी छोटी करके। उसके बाद हम थोड़ी सी सूखी हुई घास डालेंगे और फिर हम मिट्टी डालेंगे। में 50% बालू मिट्टी है और 50% काउडंग। ये देखें, ये हमारा जामन के प्लांट्स हैं और एक पॉट में बहुत सारे प्लांट माशाल्लाह से ग्रो कर गए हैं, तो इनको ये छोटा पड़ रहा है। अब हम इनको थोड़ा अलग अलग करके लगाएंगे ताकि हर पौधे को पूरी गजाइत मिल सके। करनी की मदद से मिट्टी को दीवारों से थोड़ा अलग करेंगे पॉट की दीवारों से, फिर इसको आराम से थोड़ा सा पटकेंगे ताकि ये आराम से निकल आए। अब हम एक एक पौधा बहुत आराम से निकाल कर फौरन हम पानी में इसको डाल देंगे। एक डोंगे में पानी हम ले लेंगे। मैंने बारिश का पानी लिया है सेव करके, आप चाहें तो सिंपल वाटर भी ले सकते हैं। ये देखें, ये हमारा 6 इंच का जामन पॉट खाली हो गया। इसमें मैंने काफ़ी सारे ड्रेनेज होल किए हैं। इसमें हम सूखी हुई घास डाल देंगे नीचे ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे। उसके बाद हम इसको मिट्टी से फिलअप करेंगे। ये देखें, ये हमने सारी प्लास्टिक बोतल्स को, एम्पटी प्लास्टिक बोतल्स को रिसाइकलिंग करते हुए
रीयूज़ किया है। ये हमारी रूअफ़ज़ा की बोतल है, इसको मैंने हाफ़ कट कर दिया है और उसमें दो हमारे पॉट्स तैयार हो जाएंगे छोटे छोटे। अब हम इसको बीच में से थोड़ा सा गीला करेंगे और उसके बाद इसमें एक प्लांट लगाएंगे। इस तरह हम सारे प्लांट लगा देंगे। थोड़ा सा होल करेंगे इसके बीच में ताकि जगह बन सके इनकी रूट्स अंदर जाने में। ये देखें, इस तरह हम इसको थोड़ा फोल्ड करके थोड़ा घुमा घुमा के आराम से, ताकि कुछ टूटे नहीं, कोई रूट्स नहीं टूटे इनके। इस होल को चारों तरफ से मिट्टी से हम फिलअप कर देंगे और पौधे को पकड़ के थोड़ा सा पटकेंगे ताकि जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो सब निकल जाएं। अब ऊपर से थोड़ी सी पुराने गमले की मिट्टी भी डाल देंगे ताकि पौधे को लगे वो किसी नई जगह नहीं है, उसका वही पुराना घर है। जामन ब्लैक प्लम का एक पौधा मैंने आपको रिपोर्ट करके दिखा दिया। इसी तरह मैं सारे पौधे इनमें लगा दूंगी। प्लास्टिक की सारी बोतलों में पौधे मैंने लगा दिए हैं। अब जो बाकी के पौधे हैं वो हम उसी पॉट में दोबारा शिफ्ट कर देंगे थोड़े फासले से, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी रहे। जामन ब्लैक प्लम के तमाम प्लांट हमारे रिपोर्ट हो चुके हैं। अब हम इनको भरपूर अंदाज में पानी डालेंगे और उसके बाद सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे। प्लास्टिक बोतलों का जो ढकने वाला पार्ट था उसको मैंने हैंगिंग कर दिया है, उसको मैंने तमाम उनको टांग दिया है। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे पौधे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स।